नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका एक नया इतिहास बनने वाला है। कलयुग में पहली बार आपका हर सपना सच होगा। परंतु दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो चार बातें बताने वाले हैं, उन्हें बिल्कुल ही आप ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपने यह बात तो सुने होंगे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना अवश्य पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इसके माध्यम से हम आपको यह नहीं जता रहे हैं कि आपके कर्मों में दाग हैं, आपके अंदर ही खोट है, ताकि आपको ये चार बातों का ध्यान रखना होगा। जी दोस्तों, हम आप शिव को बता दें कि आपके कर्म और आपके अच्छे पुरुषार्थ की वजह से आप अपने जीवन काल में बहुत ही ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस धरती पर आपके जैसे सब लोग नहीं हैं। जी दोस्तों, आप जिस वातावरण में रहते हैं, वहाँ के लोगों की सोच और आपकी सोच में अंतर है। जी दोस्तों, और इसी कारण आपके जीवनकाल में आपको चार बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके अच्छे कर्म और पुरुषार्थ अगर हर इंसान के अंदर रहता तो दोस्तों, इस धरती पर दुष्कर्म, अत्याचार और भ्रष्टाचार जैसी चीजें उत्पन्न ही नहीं होती। और दोस्तों, इसी प्रकार आपके भी आस पड़ोस में, आपके भी अगल बगल में, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों की ओरा आपसे अलग होती है। जी दोस्तों, और मतलब उनके अंदर की एनर्जी, उनके अंदर का वातावरण। जी दोस्तों, जब आप उनसे वार्तालाप करते हैं तो दोस्तों, आपके जीवन काल में उनके एनर्जी अवश्य ग्रहण होती है। जी दोस्तों, जिस प्रकार हम मंदिर में जाते हैं तो दोस्तों, वहाँ का शुभ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है, जिस प्रकार हमारे सभी चिंताएं वहाँ पर खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ के लोगों के ओरा आपसे अंतर है। इसलिए दोस्तों, आपको अपने जीवनकाल में आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवनकाल में सफलताओं को प्राप्त करने के लिए चार सावधानी अवश्य रखनी पड़ेगी। जी दोस्तों, जो कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, आप इन बातों पर गौर करें। साथ ही साथ इसमें जानेंगे कि आने वाले चार दिनों के अंदर आपके जीवनकाल में जो घरों की भी स्थिति होगी, इनके अनुसार आपके घर के माहौल में क्या क्या बदलाव होंगे, पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होंगे और कौन सी चार बातों का ध्यान आने वाले चार दिनों में आपको रखने होंगे। जी दोस्तों, प्रत्येक जानकारी इस वीडियो के मध्य में दिए हैं, तो हर एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी भगवान शिव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय शिव लिखकर भगवान शिव का स्मरण कर लें। भगवान शिव का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही अच्छी ज्ञान से। ये दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को किसी जीव की हानि पहुंचाते हुए देखते हुए कहा कि हे पुत्र, जब आप दूसरों को हानि पहुंचाते हैं तो ध्यान में रखिए कि यह हानि उनका नहीं, आपका है। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीज़ें आपकी जीवनकाल में वापस आती है, क्योंकि यही तो प्रकृति का नियम है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की बातों में अगर आपको सच्चाई लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं कि आने वाले चार दिनों के अंदर आप सभी की जीवनकाल में घरों की स्थिति के अनुसार कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें जानेंगे कि कौन सी चार सावधानी आपको रखनी है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, यश में परिस्थितियाँ अति अनुकूल है, कार्य आसानी से संपन्न होंगे, आपका अधिकतर ध्यान स्वयं के ऊपर ही केंद्रित रहेगा। अपने भावी लक्ष्यों के प्रति मेहनत तथा सुनियोजित ढंग से कार्य करने से काफी हद तक सफलता मिलेगी। घर में किसी नजदीकी मेहमानों के आने से भी खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में बाहरी लोगों के साथ मिलती जुलती आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात का ध्यान दें। अत्यधिक क्रोध करने की स्थिति से बचें, विद्यार्थी का ध्यान जो है पढ़ाई से भटक सकता है। तो दोस्तों, यश में आप फालतू गतिविधियों में ध्यान न लगाएं और अपने पढ़ाई पर ध्यान को केंद्रित रखें। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें, आपको काम वक्त पर पूरा करने की कोशिश करनी होगी। अचानक से नए कामों की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर बनी रहने की वजह से आपकी भागदौड़ी भी हो सकती है, लेकिन सभी काम आपके पूरे होने वाले हैं। विचारों में सरलता और एकलता आने की वजह से आपके द्वारा हुए सभी निर्णय उचित ही साबित होंगे।
और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए उसमें होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों पारिवारिक तथा सामाजिक स्तर पर आपका वर्चस्व भी यशोमय बढ़ने वाले हैं। आपके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आएंगी। पेशा आने के साथ साथ वह की भी स्थिति बनी रहेगी, परंतु आर्थिक स्थिति यशोमय संतुलित रहेगी। कुछ नजदीकी लोगों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर भी हो सकती है। साथ ही दोस्तों आर्थिक निवेश संबंधी बातों पर दोबारा विचार अवश्य करें। दिन की शुरुआत में ही कुछ तनाव की स्थिति रह सकती है। भाइयों के साथ मतभेद की आशंका भी बन रही है। ज्यादा दिखावे की प्रवृत्ति से बचें तथा अपने क्रोध पर यशमय नियंत्रण रखें। ये आपके यशमय के लिए बेहतर होंगे, तो इस पर जरूर गौर करें। और दोस्तों यशमय पेशे के मामले में जो दिन है आपके लिए बहुत ही विशेष और लाभदायक साबित होगा। पैसे के संबंधित चिंता आपकी यशमय कम होने लगेगी, जिसकी वजह से व्यक्तिगत प्रगति की तरफ आपका यशमय ध्यान हो सकता है। इनमें आप ध्यान दे सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें, यशमय परिवार के कुछ व्यक्तियों के साथ आपकी नाराजगी भी बनी रहेगी, फिर भी संवाद बनाए रखने की कोशिश करते रहें। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपकी विनम्र और मधुर स्वभाव की वजह से लोकप्रियता आपकी बनी रहेगी। कुछ पुराने मतभेदों का भी निवारण यशमय हो सकता है, बसरती आपको कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों कोशिश जरूर करें। संतान संबंधी किसी समस्या का हल भी यशमय मिलेगा, जिनसे उन्हें सुकून भी मिलेगा। और भाइयों के साथ किसी परेशानी में उनकी मदद करने से आपको आत्मिक सुख की भी प्राप्ति होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय सपनों की दुनिया में न रहें, इनसे बाहर आए और हकीकत को समझ कर कार्य करें। जी हाँ दोस्तों, ये यशमय आपके लिए बेहतर साबित होंगी। आपके कुछ निर्णय भी यशमय गलत साबित हो सकते हैं, इसका ध्यान रखें। कुछ समय मंथन या फिर चिंतन व फिर मनन करने की कोशिश करें, मनन करने में समय लगाएं, ये आपके लिए यशमय बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि आपको अपनी अपेक्षा के अनुसार सफलता भी प्राप्त होगी, लेकिन वक्त पर न मिलने की वजह से पूरी मन की चंचलता बनी रह सकती है। आपको बता दें कि दोस्तों आपको स्वयं बढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता होगी, इनमें ध्यान देने की अत्यधिक आवश्यकता होगी। भाई या फिर बहन के साथ हो रहे विवादों के कारण मानसिक तकलीफ का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो संबंध फिर से बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपकी लगन और हिम्मत द्वारा कोई अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना बन रही है या फिर लाभ मिलने वाली है। तो दोस्तों कोशिश करते रहें, प्रयास करते रहें। कोई पुष्यनीति जमीन ज्यादा संबंधी कार्य रुका हुआ है, तो दोस्तों यश में उनका हल मिलने की उम्मीद है। आपकी अपने काम के प्रति समर्पण की भावना आपके लिए नए मार्ग यश में खोलने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में कोई पुरानी नकारात्मक बातें हावी होने से आपके अंदर आत्मा बल में कुछ कमी आ सकती है। आपको बता दें कि अपनी महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान स्वयं रखें, किसी अन्य पर विश्वास करना आपके लिए इसमें हानिकारक रहेगा। कोशिश करके अपने काम स्वयं ही निपटाने का प्रयास करें। दोस्तों यश में आपके लिए बेहतर साबित होंगे, तो बिल्कुल भी लापरवाही यश में ना करें। और यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि सेहत से संबंधित बातों में अधिक जागरूकता दिखाने की आवश्यकता होगी। पुरानी बीमारी फिर से तकलीफ दे सकती है, इसलिए दोस्तों अपने खान पान में बड़ा बदलाव लाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। चाहकर भी आप कुछ बातों को अपने पक्ष में नहीं कर पाने की वजह से आपके ऊपर तनाव भी यश में बढ़ सकता है, लेकिन दोस्तों यश में आपको धैर्य और संयम का दामन थामते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे आपके जीवन में कई प्रकार की खुशियों की प्राप्ति होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में व्यवसाय में नए अनुबंध आपको मिलने वाले हैं। समय का भरपूर सदुपयोग करें। यश में पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्यों पर अधिक ध्यान दें, परंतु ध्यान रखें कि कोई गोपनीय बात भी उजागर हो सकती है। पार्टनरशिप कार्यों के लिए समय यश में अनुकूल है। और इसके उपरांत दोस्तों यश समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें यश समय व्यवसायिक कार्यों में मेहनत ज्यादा और लाभ कम की स्थिति भी रह सकती है। अगर कोई नया काम आरंभ किया है तो परेशान होने के बजाय धैर्य और संयम बनाकर रखें। धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। किसी वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर आप अवश्य अमल करें, ये आपके लिए यशमय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि अपने कार्य करने की प्रणाली में थोड़ा बदलाव लाएं, आपको अपने मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे। नौकरी पेशा लोग अपने कार्यों के प्रति ज्यादा सजग रहें। कोई गलती होने से इंक्वायरी बैठने की आशंका भी लग रही है। बेहतर होगा कि दूसरों पर अधिक विश्वास ना करें और अपने कार्यों पर स्वयं ही ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें व्यवसाय में अपने कामों को लेकर चिंता रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद लाभदायक परिस्थितियां बन रही है। भूमि संबंधी कार्यों में अच्छा लाभ होने की उम्मीद बन रही है।
नौकरी पेशा अथवा व्यवसाय में किसी प्रकार का पेपर संबंधी गड़बड़ी होने में दिक्कत आ सकती है तो इनसे सावधान रहें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में घर का माहौल शांतिपूर्ण और खुशनुमा बना रहेगा। पति पत्नी के बीच किसी मामूली सी बात को लेकर कभी कभी नोक झोंक भी हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, पारिवारिक सदस्यों के साथ खरीदारी संबंधी प्रोग्राम भी यश में बनेंगे। एक साथ सभी के साथ उचित समय बिताने से सभी को खुशी महसूस होगी। और इसके साथ दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम संबंध के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों प्रेम संबंधों में आपसी सामंजस्य की कमी भी रहेगी, जिसकी वजह से दूरियां तो आ सकती है। किसी मामले में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें, ये आपके लव लाइफ के लिए और प्रेम संबंध के लिए यश में बेहतर साबित होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके प्रेम संबंधों के लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। युवा वर्ग व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय नष्ट ना करके अपने काम पर ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी सेहत की, तो दोस्तों यश में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की थकान हावी रह सकती है, तो समय समय पर आप आराम जरूर करें। आराम लेना आपके लिए यश में अति आवश्यक।